बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कराची और हैदराबाद में बलदियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी, 4 घंटे गुजर गए, वोटिंग की रफ्तार सुस्त, सख्त सर्दी के बायस वोटर्स घरों तक महदूद। कराची डिवीजन के 7 और हैदराबाद डिवीजन के 9 इजला में पोलिंग जारी है। 1,32,42,000 वोटर्स हक रायदेही इस्तेमाल कर रही है। सिक्योरिटी के लिए पुलिस के 52,000 एहलकार तैनात, हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स अलर्ट। FC की नफरी स्टैंड बाई पर रखी गई है। पुलिस एहलकारों के बॉडी कैमरों से कंट्रोल रूम में लाइव मॉनिटरिंग। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मरकजी कंट्रोल रूम में 2 शिकायत मिली, फौरी अजाला कर दिया गया। हैदराबाद डिवीजन के इजला बदीन, दादू, सजावल, जामशोरो, मुटियारी, टंडू वाला यार्ड, टंडू मोहम्मद खान और ठट्ठा में वोटिंग। अब तक टर्न आउट इंतहाई कम, कहीं कहीं तंग कलामी और लड़ाई झगड़े के वाकयात भी हुए। बदीन में लड़ाई के बायस पोलिंग एजेंट जख्मी, दादू के गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल स्टेशन पर जमातों के कारकुनान आमने सामने। हैदराबाद में 167, जामशोरों में 36, मटियारी में 38 और टंडू वाला यार्ड में 35 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस 27 कौंसिल्स में इलेक्शन मुलतवी किए गए। कराची डिवीजन के 7 इजला में पोलिंग, सियासी जमातों के कारकुनान भी मुतहरिक। डिस्ट्रिक्ट मलीर में UC 2 में कशीदगी, पोलिंग आर्जी रोकी गई। सियासी रहनुमा के पोलिंग स्टेशन में दाखिले पर मुखालिफ पार्टी का एहतजाज। बिन कासिम की 1 UC में बैलेट पेपर उम्मीदवार का नाम गायब। सुराबगोड में RO ने सिक्योरिटी के नाकाफी इंतजाम की रिपोर्ट कर दी। पुलिस के आला अफसरान के मुख्तलिफ स्टेशन के दौरे सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। सिंध में बलदियाती इलेक्शन का दूसरा मरला, पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला। हर जमात अपनी जीत के लिए पुरउम्मीद। अमीरी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने वोट कास्ट करने के बाद कहा कि हमारी जबरदस्त तहरीक और जदोजहद के नतीजे में इलेक्शन हो रहे हैं। शहरी अपनी किस्मत बदलने के लिए निकले और वोट कास्ट करें। MKM के बायकॉट पर रद्द अमल दिया। हल्का बंदियों पर हमारे भी तहफ्फुज़ात हैं, लेकिन इलेक्शन के अमल को किसी सूरत खराब नहीं होना चाहिए। और MKM ने सिंध के बलदियाती इंतखाबात का बायकॉट कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि बलदियाती इलेक्शन में पहले ही धांधली हो चुकी, अपने साथ नाइंसाफी और इलेक्शन कमीशन के रवैये की वजह से दस्तबरदार हो रहे हैं। इख्तलाफात के बावजूद वफाकी हुकूमत के साथ खड़े हैं। मुस्तफा कमाल बोले, इलेक्शन में जाने का मतलब होगा कि हमने हल्का बंदियों को कबूल कर लिया। हेडलाइंस हमें जानी A1 TV के न्यूज स्टूडियो से। फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।